अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के अवसर पर आज शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने नवम्बई में आयोजित विविध कार्यक्रमों और मंदिरों में भेंट दिया और भगवान के दर्शन किए। विजय नाहटा ने अपने दौरे की शुरुआत सानपाड़ा के शिवाजी चौक से की, यहां शिव सैनिकों द्वारा आयोजित विविध कार्यक्रमों में शिरकत की। उपनेता विजय नाहटा का काफिला वाशी के आर्य समाज मंदिर, सेक्टर 9 के मिनी मार्केट, बैंक ऑफ इंडिया, जनता मार्केट के साथ ही उन्होंने वाशी के शिवाजी महाराज चौक पर संपर्क प्रमुख किशोर पाटकर द्वारा आयोजित भव्य रामलला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में भेंट दिया। यहाँ श्री राम, सीता और हनुमान की प्रतिमाओं का पूजन किया और दीप जलाकर दिवाली भी मनाई। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा का विविध ठिकानों पर सत्कार किया गया। उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए अयोध्या के श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठापना दिवस को भारत के लिए ऐतिहासिक आनंद का उत्सव बताया और सबको शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसा अवसर है जब पूरा भारत राममय और भगवामय हो गया है। श्रीरामाची प्रतिष्ठापना आज अयोध्येमध्ये होत आहे। संपूर्ण देशामध्ये दिवाळी साजरी होती आहे आणि विशेषतः नव्या मुंबईमध्ये शिवाजी चौकामध्ये माझे सहकारी, माझे नगरसेवक सन्माननीय किशोरजी पाटकर यांनी अतिशय उत्कृष्ट देखावा, अप्रतिम देखावा या ठिकाणी तयार केलेला आहे। भगवान राम, सीतामाई आणि हनुमान यांचे पायाभूत प्रतिकृती तयार केलेले आहेत आणि खूप हजारोच्या संख्येने नागरिक या ठिकाणी पाहायला येत आहेत। अतिशय विलोभनीय अशा प्रकारची विद्युत रोषणाई त्यांनी या ठिकाणी केलेली आहे। पताका लावलेले आहेत, झेंडे लावलेले आहेत आणि खऱ्या अर्थाने राम भक्त जे आहेत त्यांना आनंद देण्याचं काम किशोर पाटकर आणि सगळ्या ज्यांनी टीमने केलं त्याच्याबद्दल मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो। आणि किशोर नेहमीच मोठ्या प्रमाणावर समाजाला उपयोगी असणाऱ्या, आनंद देणाऱ्या सगळे उपक्रम करतो, त्यातलाच हा एक उपक्रम आहे। मी पाहिलं, येणाऱ्या लोकांची संख्या प्रचंड आहे, प्रत्येकाला प्रसादाचं वाटप या ठिकाणी केलं जात आहे। असेच कार्यक्रम त्याच्याकडून भावी काळात निश्चितपणानं होतील अशी रामचरणी प्रार्थना करतो आणि त्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो। लेटेस्ट अपडेट्स और ताज्या तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।